आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर क्यों भला हम डरे दिल के मालिक है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रहे शमी कपूर ने तमाम शानदार फिल्में की थी, उनके अंदाज के लोग दीवाने थे। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रहती थी। उनके एक एक्ट्रेस संग अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते थे। यहां तक कि शमी तो उस एक्ट्रेस से शादी तक करने का फैसला ले चुके थे, लेकिन अभिनेत्री ने एक शर्त के चलते शमी कपूर का शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया था और एक्टर का दिल तोड़ दिया था। आइए जानते हैं वो कौन है एक्ट्रेस जिसने शमी कपूर का दिल तोड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स का एक खास शो किस्सा। मैं हूं आपके साथ आतुल श्रीवास्तव। शमी कपूर जिस अभिनेत्री से शादी करना चाहते थे वो कोई और नहीं, मुमताज थी। मुमताज और शमी कपूर की मुलाकात उनकी 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के सेट पर हुई थी। दोनों के बीच तुरंत दोस्ती भी हो गई थी। इस फिल्म में उनका आइकॉनिक डांस नंबर आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे आज भी लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर देता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है। वहीं धीरे धीरे इस जोड़ी की दोस्ती प्यार में बदल गई और शमी ने मुमताज को शादी तक के लिए प्रपोज कर दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान दिग्गज अभिनेत्री ने खुलासा किया था कि वो सिर्फ 17 साल की थी जब शमी कपूर ने उन्हें प्रपोज किया था। मुमताज भी शमी कपूर से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वह अपने फलते फूलते करियर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसे लेकर एक्ट्रेस ने कहा था, जब मैं 17 साल की थी तो वो चाहते थे कि मैं अपना करियर छोड़ दूं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे उतना प्यार दे सकता है जितना उन्होंने मुझे दिया। मैं उन्हें कभी नहीं भूली। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो आंसू आ जाते हैं। मेरी नजर में ये कोई लव अफेयर नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा था। मुमताज ने शमी कपूर की शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के पीछे का कारण भी बताया और बताया कि उस समय कपूर परिवार में महिलाओं को उनकी शादी के बाद काम करने की इजाजत नहीं थी। एक्ट्रेस ने कहा था, दुर्भाग्य से उन दिनों कपूर परिवार की महिलाएं काम नहीं करती थी। उन्हें अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करना था, मुझे अपने करियर का सम्मान करना था, तो अपने करियर के लिए प्यार छोड़ दिया। मैं और क्या कर सकती थी, मेरे पास एक परिवार था। एक संघर्षकर्ता के रूप में भी मुझे 8 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा था। एक बच्चे के रूप में जब मेरी माँ ने पूछा कि मैं बड़ी होकर किससे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं कहती थी ईरान के शहंशाह के बेटे से शादी करो, मैं लाइफ में केवल बेस्ट चाहती थी। मीडिया से बातचीत के दौरान एक बार दिग्गज अभिनेता ने भी मुमताज सिंह अपने अफेयर को लेकर बात कही थी। उन्होंने कहा था, उस समय मेरी पत्नी का निधन हो चुका था और मैं सिंगल था। मुमताज एक बहुत ही सुंदर छोटी लड़की थी और थोड़े समय के लिए हम दोनों ने सपने देखे और फिर वो एक नाइटमेयर में बदल गए थे। मैं आज जैसा हूँ खुश हूँ। वहीं मुमताज ने साल 2020 में फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि शमी कपूर की एक शर्त की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था। मुमताज ने कहा था कि कपूर फैमिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनके घर की बहुएं फिल्मों में काम करें। इतना ही नहीं, शमी कपूर ने कहा था कि अगर वो चाहती हैं कि वो उनके साथ खुश रहें तो उन्हें अपना करियर छोड़ना होगा। मुमताज उस समय अपने करियर के पीक पर थी और उन्हें ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। वहीं बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता रहे शमी कपूर ने तमाम शानदार फिल्में की थी, उनके अंदाज के लोग दीवाने थे। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रहती है, जिसकी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों अपनी जिंदगी में अलग अलग हो गए। कैसा लगा आज का हमारा किस्सा? आगे और भी ऐसे किस्से आपके लिए पेश करते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए जर्नी टाइम्स।